न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। एक बड़ी खबर सेंधवा से है, जहां सेंधवा के जामली में एकलव्य छात्रावास में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा लापता होने का मामला सामने आया है। जी हां, 13 तारीख से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा लापता बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने बताया कि हमें कल पता चला, जिसके बाद हम सीधे एकलव्य छात्रावास पहुंचे, जहां हमें पता चला कि हमारी बच्ची वहां नहीं है, जिसके बाद होस्टल अधीक्षिका और परिजन सीधे ग्रामीण थाने पहुंचे। समस्या ये है सर, हमारे बच्चे जामले क्लब हॉस्टल में पढ़ते थे, कक्षा 10वीं के थे। तो दूसरे परिजनों से पता चला कि तुम्हारे छोरी हॉस्टल में नहीं है। अच्छा, वहाँ जाके हमने पता किया कि छोरी हॉस्टल में नहीं है। तो फिर हमको मैडम को बोला कि यहाँ छोरी रहती थी हमारी भतीजी, तो बोले वो तो चली गई। बोले कहाँ पे? तो बोले वो घर पे। तो बोले मैंने मेरे किसके साथ में गए? तो बोले भाई के साथ में, मेरे भाई को। बोले फिर मेरे भतीजे को लेके गया, मेरे उसके साथ छोटा भाई। तो बोले इसके ये आया था नहीं है, बोले कोई और दूसरे को लेकर चली गई। बोले अच्छा। तो फिर हमने मैडम को फिर वो घर पे पता करके नहीं है वो। मैडम ने फिर पूछताछ करने पर बोला कि वो तो कही गए तो हम ढूंढ के ला देंगे। आज यहाँ तक थाने पे पहुंचे हैं, तो बोल रही है कि मैडम वो अभी शाम तक देखो करके, इसलिए हम अभी रुके हुए। अच्छा, आज बेहतर टाइम दिया था, फिर रुके। अभी आपने आवेदन दे दिया? आवेदन थाने पे दिया है, रिपोर्ट नहीं करवाई। रिपोर्ट नहीं करवाई जब तक वो आते नहीं, जब तक हमें रिपोर्ट नहीं।